एनिवर्सरी गिफ्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो स्वागतम। तो आज है दिन शनिवार और आज है हमारी एनिवर्सरी का वार, मतलब शनिवार को आज है हमारी 27 तारीख को एनिवर्सरी, जो कि हम कल रात को ही लास्ट ब्लॉग में केक काट चुके हैं, लेकिन आज भी हम, आज पूरा दिन है ही ना, तो आज भी इंजॉय करेंगे, आज मस्ती करेंगे, खाएंगे पियेंगे। और भाई साहब हालत तो ऐसी ख़राब हो रही मेरी, मैं कहता हूँ क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं सुबह 5 बजे करीब सोया हूँ, 5:30, 5:30 के राउंड मान लो, तो तब से और भाई साहब बार बार सोए जा रहा हूँ, उठे जा रहा हूँ, सोए जा रहा हूँ। अब बस ये 2.5 दिन के भाई साहब कितना सोया हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, 9 घंटे हो गए भाई, 9 घंटे तो बुरी हालत हो रखी है भाई साहब। और वो तो अभी फ़ोन आ गया तब मैं उठ गया, अदरवाइज हो सकता है कि और 1-1.5 घंटे सो जाता मैं, तो ये मामला तो बड़ा ख़राब हो जाएगा इस हिसाब से, तो थोड़ा सुधारना पड़ेगा अपने आप को, रूटीन को भी। तो अभी 2.5 दिन हो गया, अभी सोच रहा हूँ नहा धो लूँ, उठ तो गया हूँ, अभी जाता हूँ नहाने के लिए, नहा करके फिर जाएंगे 5:30 बजे जिम, ठीक है, फिर वहाँ से खाने पीने के कुछ लाएंगे, इंजॉय करेंगे। रेडी जिम नहीं जा रहा, अभी जाऊँगा 5 बजे। मैं भी क्या बोलता हूँ, खैर जीन्स पहनी, टी शर्ट पहनी और ये वाला स्वेटर पहनेंगे अपन, तो हो जाएंगे टेंच रेडी आज के लिए। और अभी खा रहे हैं हम पोहा विद नमकीन एंड दूध, तो भाई क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं, सुबह क्या अभी जगा था 3:30 बजे करीब, तो अब तब से अब खा रहा हूँ, पेट भर लूँ क्योंकि भूख लग रही है। लाल कपड़े पहन रखे हैं खरगोश वाले, और ऐ कर रही है क्योंकि जगी है अभी, मतलब ये सुबह से ऐसे उठ रही है बैठ रही है, उठ रही है बैठ रही है, मतलब जग रही है सो रही है, जग रही है सो रही है, ये चल रहा है इसका सुबह से। और भाई साहब हर सेकंड में भूखी हो जाती है, उठते ही भूखी होती है ना बेटा, आवाज़ तो आ रही है आपको, देखो खरगोश बनाया हुआ है इसके स्वेटर पीछे। लेकिन क्या है, एक मेरा दोस्त जिस मकान में पहले हम रहते थे किराए पे, वहाँ पर एक दोस्त उसकी वाइफ है, तो वो दोनों आ रहे हैं मिलने के लिए, बेटी को देखने के लिए, विशाखा से मिलने के लिए, मुझे भी मिलने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि आने वाले हैं, तो आधे घंटे तकरीबन उनको लग जाएगा फिर, मुझे लग रहा है ऐसा, तो आधे घंटे में जब आएंगे तो उनको मैं लेके जाऊँगा बाहर, गाड़ी खड़ी करेंगे वहाँ से, लेके आऊँगा उनको, और नाश्ता पानी की जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं और विशाखा एक शॉर्ट क्रिएट करने वाले हैं बच्ची के साथ, वो ही बहुत ही यूनिक होगा और अच्छा लगेगा आपको, मैं अभी करके बताऊंगा और दिखाऊंगा कैसे है वो, और बहुत मज़ा आएगा उसमें। तो विशाखा के लिए मतलब बेसिकली एनिवर्सरी गिफ्ट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ ले जाके, देखते हैं कैसा रिएक्शन है। हैप्पी एनिवर्सरी एंड स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। देखो ओपन एंड यू कैन सी द गिफ्ट, आवर न्यू एनिवर्सरी गिफ्ट। ये तो सबसे स्पेशल गिफ्ट है, पर ये मैंने आपको दिया है। हाँ लेकिन ये है तो गिफ्ट। आने वाला था वो नहीं आ रहा, उसका प्लान पोस्टपोन हो गया, कह रहा कि पवन थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया कहीं पे, तो वो जा रहा है कहीं और, तो इसलिए जिम का भी हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, क्योंकि जिम का 2 दिन का गैप ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी चलते हैं जिम, जिम जाके थोड़ा सा पंप करते हैं बॉडी को, बाइसेप्स करेंगे, और सोच रहा हूँ टाइम मिला तो थाई भी कर लूँगा, दोनों चीज़ें करूँगा, क्योंकि फिर शोल्डर फिर भी रह जाएगा इस वीक में, पर कोई नहीं, करते हैं दोनों एक्सरसाइज आज तगड़े से। और कुछ ज़्यादा सामान लाना नहीं है, खाने पीने का सामान लाना, तो वो लाएंगे हम लोग रात में जा कर के मार्केट में। एक्सरसाइज करी है, एक करा शोल्डर, बाइसेप्स और थाई, इसके तीन एक्सरसाइज करी है सारी। अभी तक मैंने ले लिया नींबू और दूध, अब चलते हैं, अभी मिलना पिज़्ज़ा, पनीर पिज़्ज़ा, आलू टिक्की, चाउमीन, बस इतना, और एक दो कैल्शियम के पाउच लेना। ये देखो भाई साहब हमारे जिम पार्टनर जाके गंदी गंदी बातें करते हैं, जिम में आके शरीर खराब करने वाले काम करते हैं, देखे गंदी बातें निकलती हैं। क्या उसी दुकान पे जहाँ पे इन भैया की मैं बोल रहा था कि ये जो भैया बनाते पिज़्ज़ा एकदम गजब वाला पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो और हाँ इन्होंने बोला कि भाई ट्रीट देनी है बेटी होने की, तो उन्होंने मिठाई के लिए याद दिला दी, लास्ट टाइम भूल गया था मैं इनको, अभी लेकर के आता हूँ उनके लिए मिठाई। चल इन्हीं फास्ट फूड की डिमांड ज़्यादा है, एक तो चिली पटेटो बन रहे हैं और चाउमिन उधर है, ये लोग कम पीते हैं जूस, ये ज़्यादा खाते हैं लोग। मैं कहीं पर भी निकल जाओ आपको फास्ट फूड की दुकान पर ना भीड़ मिलेगी बेभाव, मतलब लोग मान लो इतना जहर खा रहे हैं, हम तो कभी कभी खाते हैं
हफ्ते दो हफ्ते में खा लिया तो खा लिया, तो महीने में खा लिया क्या बार। ये बाहर की चीज़ें वैसे भी नुकसान पहुँचाया करती हैं। वैसे हम दिल्ली में रहे कौन सा शुद्ध खा रहे हैं सारी चीज़ें, तो हम ट्राई करते हैं कि घर का खाना खाएं, उसमें भी मिक्सिंग है। जैसे आप अगर आटे की बात करते हो, आटा आप सोच रहे हो दिल्ली वाले कि प्योर आटा आता, नहीं आता इसमें, चावल मिक्सिंग आती, बहुत सारी चीज़ मिक्सिंग आती है, वो भी मुझे पता है एक्चुअली। तो अभी बस सारा सामान मैंने ले लिया है, रखा है, अभी चलते हैं घर की तरफ, बहुत देर हो गई यहाँ वैसे भी। ये लगी पड़ी है खाने को भाई साहब, इसको सब्र नहीं है लड़की को, और डॉक्टर मना किया नहीं खाना है, पर लेकिन खाना है नहीं। अब आज के दिन मैंने खाया, आज के दिन तो खा सकती है, तभी तो मैंने बोला खा लो कोई बात नहीं। मेरी बिटियानी भी सो रही है मेरी गोदी में, और मेरे होरा भाई सब सर दर्द बहुत गंदा वाला। एक बंदा आया था, मेरा दोस्त है पनौती, उसके वजह से मेरा सर दर्द हो रहा बहुत तेज, और मैं बता नहीं सकता। तो अभी चाय बन रही है भाई, चाय पियेंगे तब जाके शायद सर में थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, और पनौती को भगा देंगे। आया हूँ मार्केट में, मुझे एक्चुअली ना खाना पीना लेना था, तो आज खाना पीना बनाया नहीं, आज हम लोग यहीं से लेकर के जाएंगे। तो ऑर्डर करके आया हूँ दाल मखनी और कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी। चुकी है महारानी, और मचा जा रही भैया ये लड़की तो बस अपने मुँह में उंगलियाँ देती रहती है, भूख लगती है तो उसको पता नहीं कहाँ से सेंस हो जाता है कि हाथ दो और दूध का मजा लो, तो वही फील कर रही है पकल। ये था आज का ब्लॉग, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलता हूँ कल शाम को 7 बजे, टिल देन बाय बाय।